एमपी की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, जहां ग्वालियर दौरे के दौरान पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैन मुनि का आशीर्वाद लिया, तो वहीं जैन मुनि ने सिंधिया के जल्द ही एमपी का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी की सियासत में फिर बढ़ी हलचल। पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया जैन मुनि का आशीर्वाद। जैन मुनि ने की महाराज सिंधिया के जल्द मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी। प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में यह वाकया तब हुआ जब महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव में जैन संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने मुनिश्री विजयेश सागर और विहर्ष सागर से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुनि विजयेश सागर ने सिंधिया के जल्द ही मुख्यमंत्री बनने की घोषणा कर डाली और क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। ये इनके घर में राजघराना है और राजघराने में परंपरा चली आ रही है और आप देखेंगे फास्ट मूवर के रूप में हमारे गुजरात संध्या जी जो कि अपन देखें फास्ट मूवर है, नई नई खोज करते हैं कैसे एन प्रकार ने अपनी जनता की अपनी सेवा कैसे कर सके आगे ले जा सके कैसे। और मैं तो चाहता हूँ अभी देखिए अभी लोग बात चर्चा करते हैं गुजरात संध्या जी लोग यहाँ हमारे संध्या जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। अभी एमपी से बड़ा लगाव है कि पब्लिक की पूरी तरह सेवा करना और एमपी को चमकाना, क्योंकि एमपी हमारा भी बहुत पीछे अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है, उसे वे ऊपर ले जाना चाहते हैं और आज उन्हें जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है और उनका बेखूबी पूरी तरह। प्लीज जन्म तो मेरा नहीं हुआ है लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जैन समाज का एक नागरिक के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ और आपके समाज और आपके धर्म के रास्ते पे चलने का पूरी कोशिश मैं करता हूँ। आपका आशीर्वाद इस अंचल पे रहे, इस क्षेत्र पे रहे, हम पर रहे और आपके मार्गदर्शन के आधार पे ही आगे भी राजनीति का रास्ता नहीं लेकिन जनसेवा का रास्ता का मार्ग हम लोग प्रशस्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत कुल मिलाकर देखा जाए तो जैन मुनि की इस भविष्यवाणी के बाद अब एक बार फिर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, ग्वालियर। अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।